अभ्यास वो शक्ति है ना जिसके दम पर आप सब कुछ पा सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आपके पास क्या संसाधन है क्या नहीं है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आप अभ्यास में विश्वास करते हैं ना तो आप सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन ये जो अभ्यास होता है ना ये बहुत बोरिंग होता है, हर किसी से नहीं होता है। इसको करने के लिए अपनी आत्मा को मारना पड़ता है, अपने अंदर जो भावना होती है ना उन सभी भावनाओं को दबाना होता है। जो अच्छी फीलिंग्स होती है ना कि कुछ काम करें और वो हो जाए और उसके बाद जो आनंद आता है, वो आनंद मुझे मिलना चाहिए, उस आनंद को मिलने की जो चाह होती है वो चाह को त्यागना पड़ता है। क्योंकि जो अभ्यास होता है उसमें आप जब कोई भी काम करते हैं तो कन्फर्म है कि उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही, तभी तो आप अभ्यास कर रहे हैं ना बार 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 बार। अब वर्तमान स्थिति ये हो गई ना कि कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि एक बार मैं कोई प्रैक्टिस सेट लगाऊं, एक बार कोई टीचर मिल जाए, एक बार मैं किसी बुक को घर पे ले आऊं, बस मेरा काम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में ही कहना पड़ेगा कि ये एक बार का काम नहीं है, एक दिन का भी काम नहीं है, मुझे इस चीज़ को करने के बाद मेरा पूरा जीवन इसी के ऊपर टिका हुआ है, और अगर मैं इस चीज़ को ही अच्छा नहीं करूँगा तो मेरा पूरा जीवन कहाँ जाएगा। आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, आप अपना पूरा जीवन उस सरकारी नौकरी के लिए समर्पित करोगे, और लाखों की भीड़ उस सरकारी नौकरी के लिए खड़ी है। आज अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं देने गए होंगे। मैं कुछ वीडियो में आपको समझाता हूँ कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है आप उस भीड़ को जाके देखना। जब आप अपने घर से एग्ज़ाम सेंटर की दूरी को तय करोगे ना, आपको रियल जो तकलीफ़ होगी ना वो समझ में आएगी। जब ट्रेन में आपको लटक के जाना पड़ेगा, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में रात भर पहले पहुंचोगे, जब वो भीड़ सेंटर के बाहर रोड पे सो रही होगी, जब रेलवे स्टेशन पे जगह नहीं होगी, बस में जगह नहीं होगी, कोई भी संसाधन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आसानी से एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा दे और आप एकदम एसी रूम में बैठ के एग्ज़ाम दे के घर पे आ जाएं और आपको एकदम आनंद की अनुभूति हो कि बस मैं एक सरकारी काम करके आ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। एक वो इंसान, एक वो बच्चा है जो मस्त अपना जीवन जी रहा है, उसको कोई काम करना है, कोई भी काम करना है, वो हवाई जहाज से उड़ के जा रहा है। मान लो दिल्ली में रहता है, बैंगलोर गया उड़ के, काम निपटाया, फिर बैंगलोर से हवाई जहाज़ में बैठा, दिल्ली आ गया। इसके विपरीत जब कोई बच्चा दिल्ली से बनारस एग्ज़ाम देने जाएगा, उसके जीवन की तकलीफ़ समझाता हूँ। वो यहाँ से पहले दिल्ली स्टेशन पर जाएगा, वहाँ इतनी भीड़ होगी कि जगह नहीं होगी खड़े होने की। उसके बाद जद्दोजहद होगी कि ट्रेन कैसे भी पकड़ लूँ। जब ट्रेन आएगी ना तो जो आपने कभी मूवीज़ में सीन देखा ना, एकदम इस गेट पे, उस गेट पे, खिड़की पे, पूरा एकदम भरे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कि मैं पकड़ के लटक जाऊँ, यह हालत होती है। और किसी तरीके अगर इस गर्मी में, भीषण गर्मी में उस गेट के अंदर घुस भी गए ना, तो अगर कोई नया बच्चा होगा, कोई नई लड़की लड़का होगा, तो 5-10 मिनट से ज़्यादा वो वहाँ वहाँ टिक नहीं सकता। वो उसकी मजबूरी है कि उसको वहाँ टिकना ही पड़ेगा, अन्यथा उस समय वो जो सिचुएशन होती है ना, वो जो दिमाग में आती है कि काश अच्छे से पढ़ाई कर लेता, काश इससे पहले वाला एग्ज़ाम निकाल लेता, तो ये स्थिति नहीं आती। और अभी भी टेंशन दूर नहीं है, अभी दिल्ली से बनारस का रास्ता है, वहाँ तक जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगी। फिर बनारस में उतरने के बाद भी ऐसा नहीं आराम है, रात भर आपको प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ेगा, मच्छर काटेंगे, मतलब एकदम लाचार वाली स्थिति होती है। पर ये स्थिति, जो इंसान इस स्थिति से गुजरता है, कई बार गुजरता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये स्थिति हर बार बदतर बनती जाएगी, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं इसी ज़िंदगी में फंसा रहूँगा, आगे चल के तो और स्थिति ख़राब होगी। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो अपना एक्सपीरियंस इस कमेंट में दे सकते हैं। तो क्या आप भी ये वाला जीवन जीना चाहोगे? अभी रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम है, मैं आपको शपथ दिलाता हूँ, आप शपथ लीजिए आज कि जो भी एग्ज़ाम है आप केवल अभ्यास की शक्ति से उस एग्ज़ाम को फोड़ेंगे, केवल अभ्यास। और कोई भी टेक्निक, कोई और कोई भी तरीका, कोई भी स्ट्रेटजी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल आपको अभ्यास, एक छोटा शब्द है, मैं केवल ये शब्द आपके दिमाग में भरना चाहता हूँ कि अभ्यास। एक किताब एक विषय के लिए, केवल एक किताब एक विषय के लिए, केवल एक नौकरी जो रिसेंट में आपकी लगी है, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने बाद जिसका एग्ज़ाम है, केवल एक, आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके, माता पिता का नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेके, और इसी को अपना अंतिम एग्ज़ाम समझ लीजिए कि बस
अब और नहीं सहना, और ये जद्दोजहद वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, और ट्रेन में लटक के एग्ज़ाम में सेंटर तक नहीं पहुंचना। बस ये आखिरी एग्ज़ाम होगा, इसके बाद मैं अपने घर अपनी सरकारी आई कार्ड के ही साथ आऊँगा और ये वाला जीवन त्याग दूंगा। एक नया जीवन, एक नया जन्म होगा मेरा, उसके बाद मैं कहलाऊँगा सरकारी सर्वेंट। बस, और ये सब कैसे होगा? अभ्यास। एक विषय के लिए एक किताब, उसी को बार 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 करना है। किसी की बात नहीं सुननी है। कोई अगर कुछ भी कह रहा है, भाई तू कहता रहे, तू कहता रहे, तू कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको पागल बनना पड़ेगा, बन जाइए पागल। एक बार पागल बन के भी तो देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार कुछ महीने के लिए पगला जाइए ना। अगर मैथ के सवाल लगा रहे हैं तो बेतहाशा पागलों की तरह एक एक दिन में 100 150, पहले 100 का टारगेट बनाइए, फिर 150 का बनाइए, फिर 200 का बनाइए, फिर 300 का बनाइए। यार अगर आप क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे तो क्या आप मर जाएंगे? यार अब अगर 5 पेज लूसेंट के पढ़ेंगे, 10 पेज लूसेंट के पढ़ेंगे, मर जाएंगे? यार अगर आप टारगेट बना के हर महीने का करंट अफेयर एक दिन में पढ़ना शुरू करेंगे, मर जाएंगे? क्या हो जाएगा आपको? दिमाग काम नहीं करेगा, सर में दर्द होगा, बस इतना ही तो होगा। इसका भी इलाज है। उठिए, बाहर जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, 15 20 मिनट वहाँ बैठिए, फिर आ जाइए, फिर बैठ जाइए पढ़ने। और क्या होगा यार, ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे दिन में थके हुए हैं, रात में आइए, अच्छे से नहाइए, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उनके पास जाइए, 15 मिनट उनके सामने आंखें बंद करके बैठिए और उनसे शक्ति मांगिए कि मुझे 3 4 घंटे पढ़ने की शक्ति दीजिए। और ये रोज़ कीजिए। अगर आप पूरे दिन नौकरी करके आ रहे हैं, शाम को आपको 4 घंटे भगवान वो देंगे। करिए तो सही, एक बार कोशिश तो करिए। और जिनको नौकरी, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जो कैंडिडेट हैं, जो घर में पढ़ रहे हैं, जिनके पास पूरा 24 घंटा है, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि किसी की बात पे विश्वास नहीं कीजिए। अपना सारा संसाधन जुटाइए, ऐसे रख लीजिए कि इस सब्जेक्ट के लिए ये करना है, इस सब्जेक्ट के लिए ये यूट्यूब पढ़ना है, ये चैनल से पढ़ना है, बस। उसके बाद दुनिया भर की कहानी पे विश्वास नहीं करना है। किसी का सिलेक्शन हो गया, वो वीडियोस बना के बता रहा है, नहीं देखना। कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, नहीं देखना। कोई कुछ बता रहा है, नहीं देखना। बस ठान लो कि पागलों की तरह जद्दोजहद करनी है। 100 क्वेश्चन बनाने हैं मैथ के तो बनाने हैं, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के बनाने हैं तो बनाने हैं, बनाने हैं, बनाने हैं, बनाने हैं। 20 पेज रीडिंग करनी है जीएस की तो करनी है, तो करनी है, तो करनी है। एक मॉक लगाना है तो लगाना है, तो लगाना है, तो लगाना है। ये ठान लो, ठीक? और ये एक दिन हो जाएगा, मानता हूँ। मेरी वीडियोस देख ली, आज आप कर लोगे, आज आपके अंदर आंसू आने लगेंगे कि यार सही कह रहा है बंदा, करना चाहिए, मानता हूँ मैं। मुझे विश्वास होता है कि मैं ऐसा कुछ बोल पाता हूँ। लेकिन कल क्या होगा? कल आप फिर, आपका स्तर वहीं नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को आज ही ठान लीजिए, आज अभी इसी वक्त ठान लीजिए कि मुझे अभ्यास करना है, लगातार करना है, रोज़ करना है। जो चीज़, जो फीलिंग अभी आ रही है, वही फीलिंग मुझे हमेशा है। और जब भी मुझे कुछ समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, आप में, आप ये वीडियोस आके देख सकते हैं, आप अपने भगवान से जाके बोल सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा के सामने जा सकते हैं, आपको जो भी नौकरी चाहिए आप उस डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं। अगर आपको पुलिस बनना है तो अपने एरिया की पुलिस स्टेशन के बाहर जाके 10 मिनट बिताइए। आपको डॉक्टर बनना है, अपने एरिया के सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, 10 मिनट बिता के आइए। आपको ड्राइवर बनना है, अपने एरिया के रेलवे स्टेशन पर जाइए, ट्रेन को देखिए। वट एवर, आपको जो भी बनना है, बैंक में काम करना है, बैंक में जाइए, 10 मिनट बिता के आइए। कैसे नहीं मन करेगा? लेकिन बदलना नहीं है। आप बदल जाते हो इसलिए आपका सब कुछ बदल जाता है, और ये रोज़ बदलता रहता है। जिस दिन आप ठान लोगे ना कि बदलना नहीं है, बस करना है, ठान के बैठ जाना, करना है तो करना है। दर्द होगा, पेन होगा, मन नहीं करेगा, दिमाग भागेगा, भागने दो। बस आपको एक चीज़ पकड़ लेनी है कि अभ्यास करना है। कितना भी कठिन चैप्टर होगा, कितना भी बड़ा चैप्टर होगा, अगर मैं अभ्यास करूँगा तो मुझे आ जाएगा, और ये आएगा तो मैं एग्ज़ाम सेंटर में सवाल बना पाऊँगा, सवाल बना पाऊँगा तो मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मुझे आई कार्ड मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगी, मेरे माँ बाप का सम्मान होगा, मैं हर महीने अपने माँ बाप को नए कपड़े, नया घर, नई गाड़ी, सब कुछ दे सकता हूँ, पूरे जीवन दे सकता हूँ। मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरे माँ बाप का जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरे परिवार का जीवन अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। बस ये सोच के पढ़ना शुरू कर दीजिए, समझे? आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।